हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है चना दाल और लौकी की रेसिपी। सिंपल एंड इजी रेसिपी है, तो इसे एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। मैंने 1 कप दाल ली है, इसे मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था, तो ये सोक दाल है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप कुछ देर के लिए सोक कर लीजिए, डायरेक्ट बना लीजिए। 600 से 500 ग्राम मैंने लौकी ली है, इन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 स्मॉल पीस मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 काली मिर्च के और 1 बादियान के फूल का टुकड़ा लिया है छोटा सा, और जीरा लिया है 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, मैंने इसे क्रश कर लिया था, आप पेस्ट भी ले सकते हो। 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, इन्हें चॉप कर लिया है मैंने। 1 धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। 1 गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। तो आप अपने हिसाब से मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने हरी मिर्ची ली है 2, इन्हें पीसेस में कट कर लिया है। करी लीव्स लिए हैं 10 to 12। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने कुकर लिया है, आप पतीली में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट चने की दाल को गलने के लिए टाइम लगता है, तो मैं कुकर में बना रही हूँ। और कुकर में मैंने तेल लिया है 4 से 5 टेबल स्पून और इसमें अपने गर्म मसाले डाल दूंगी मैं। ज़ीरा ऐड कर दूंगी मैं इसमें, ग्रीन चिली एंड करी लीव्स भी ऐड कर दूंगी इसके बाद। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी और 1 से 2 मिनट तक छोड़ दूंगी कुकर में ही, और ट्रांसलूसेंट होने तक पकाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आपके प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। मैं इस मोमेंट पे ऐड कर दूंगी तमाम मसाले। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम लोग टमाटो भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टमाटो ऐड कर सकते हो आप, बट मैं स्किप कर रही हूँ। मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो इसमें पानी ऐड कीजिए अपने हिसाब से, और ये जब अच्छी तरीके से सिमर हो जाए और इसमें से महक निकल जाए कच्चे मसालों की, उतनी ही देर हमें उसे पकाना है। तो उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे इसमें लौकी। लौकी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं और जूस बनाकर भी पी सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोक चना दाल। अगर आपने सोक नहीं किया है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो और कुकर में ज़्यादा विसल लगा सकते हो, लेकिन सोक कर लेने से ये थोड़ी जल्दी पक जाती है, जल्दी कुक हो जाती है। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और कुछ देर के लिए आप भुनने के लिए छोड़ सकते हो इसे 1 से 2 मिनट ढककर, मगर मैं ऐड कर रही हूँ अभी इसमें डायरेक्टली 1 ग्लास पानी। मैंने इसे भी कुक नहीं किया है, आप चाहे तो इसे भून भी सकते हो मसालों के साथ में। पानी डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। मुझे लौकी पसंद नहीं थी, बट ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम जब खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड अब मैं इसे बनाते रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ इसमें कुछ अलग वेजिटेबल्स डालकर, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं कुकर का लिड लगा दूंगी और तकरीबन 3 विसल लूंगी। अगर आपने दाल सोक नहीं की है तो आपको हो सकता है ज़्यादा विसल की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो। 3 विसल में मेरी दाल और दूधी जो थी बिल्कुल गल चुकी थी। आप चाहे तो लौकी के स्मॉल पीसेस भी कट कर सकते हो, मेरे थोड़े बड़े पीसेस थे। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन रखी है, आप चाहे तो इसे और कुक करके एकदम ड्राई कर सकते हो। दाल और दूधी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है और इसमें मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। आप इसे सर्व कीजिए राइस, रोटी या पराठे के साथ में, चिली एंड ऑनियंस और अचार भी रख सकते हो आप। इसे गार्निश कर लेंगे कोरिएंडर लीव से। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।